आप लोगों ने अगर विजिट किया हो हमारी वेबसाइट टेम्स आई एस डॉट कॉम को टी ई एम एस आई ई एस डॉट कॉम को तो आपको वहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे जो भी नोट्स हम पढ़ाते हैं ना शॉर्ट नोट्स कई बार लोगों ने बोले थे तो वो सब हम रेगुलर अपडेट करना शुरू कर चुके हैं आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं साथ ही ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको एक और कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जो हमने स्टार्ट किया वो है सी सैट कोर्स के बारे में ठीक है ना तो वी हैव स्टार्टेड दिस सी सैट कोर्स Uh, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सी सैट कोर्स में क्लैरिटी नहीं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और uh, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पिछले लास्ट में दो तीन सालों में अगर हमने देखा हो तो सी सैट क्लियर करना ज़्यादा कठिन हो गया है इंस्टेड ऑफ़ जी कई लोगों ने जी एस निकाल लिया है लेकिन जो जी एस का पेपर आता है मतलब जो सी सैट वाला पेपर आता है प्रलिम्स में वो नहीं निकल रहा है तो उसके लिए हमने कोर्स बनाया है दो एजुकेटर्स हैं जो क्वांट वाली क्लासेज हैं वो मैम आपकी लेंगी और जो एल uh, आर और डी आई और uh, जो कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस वाली क्लासेस है वो मैं लूँगा है ना तो शी इज़ एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स एंड क्वांट वाला पोर्शन सो शी विल बी टेकिंग दोज क्लासेस एंड लॉजिकल रीजनिंग आल्सो बट डी डी डिसीजन मेकिंग एंड Uh, जो आपका कॉम्प्रीहशन पैसेजेस वाला पार्ट है वो मैं आप कर लूँगा ना तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन कर में लिंक है क्लासेस ऑलरेडी अपलोड करना हमने शुरू कर दिया है डेली वन क्लास या अपलोड uh, होंगी है ना लिविंग द सैटरडेज एंड द संडे सैटरडे संडे छोड़ दो तो, तो uh, हफ्ते में पाँच क्लासेज अपलोड होंगी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं एंड करंट अफेयर्स रिविजन सीरीज इज़ ऑलवेज देर आप जब भी आपको लगे कि करंट अफेयर्स रिविज़न करना है या हमको पढ़ना है यू के लिए तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं स्टार्ट uh, कर हैं आज का न्यूज पेपर एनालिसिस हैं अगर आप देखना चाहें तो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहली जो न्यूज है वो फ्रंट पेज की आप देख सकते हैं वी सेव्ड इकोनॉमी फ्रॉम अ क्राइसिस गवर्नमेंट इन पेपर गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है कल टेबल किया था इसको पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इकोनॉमी को बचा लिया है है ना फ्रॉम द स्टेट ऑफ डिस्मल परफॉर्मेंस टू अ वेरी गुड स्टेट इन द द इन वर्ल्ड है ना अब ये पहली चीज़ तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई व्हाइट पेपर क्या होता है व्हाट इज़ दिस वाइट पेपर तो वाइट पेपर हम बता दें आपको क्या होता है व्हाइट पेपर एक्चुअली जब टेबल एक्चुअली वो कलर के कारण होता है क्योंकि जो पब्लिक में सर्कुलेट होता है दैट इज़ इन वाइट कलर पेपर तो इसलिए वाइट पेपर होता है लेकिन उसमें होता क्या उसमें, होता है? उसमें होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट के कंक्लूजन्स और गवर्नमेंट के एक तरह से कंपेरेटिव एनालिसिस होता है ना तो जैसे अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसने कम्पेरेटिव एनालिसिस किया है दो के पहले की इकॉनमी का और दो के बाद जो ग, ग, जब रिजीम चेंज हुआ तो उसके बाद क्या चेंजेस आए इकोनॉमी में तो उन दोनों चेंजेस को कंपेयर किया गया है तो वाइट पेपर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में वेबसाइट से बता देता हूँ यहाँ देख रहे आपको व्हाइट पेपर तो व्हाइट पेपर देखो एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है दैट हाईलाइट्स द पॉलिसीज अचीवमेंट्स एंड इश्यूज ऑफ द गवर्नमेंट जैसा मैंने कि ये हाईलाइट करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को उनके अचीवमेंट्स को और उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करता है तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कल व्हाइट पेपर रिलीज किया है होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल दैट वॉज द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द फ्रंट पेज आई होप आपको समझ में आ गई होगी सेकेंड न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप देखें विल स्क्रैप देखे, फ्री मूवमेंट रिजीम ऑन द म्यांमार बॉर्डर अब अमित शाह यानी कि हमारे जो होम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि वो फ्री बॉर्डर रिजीम जो है दैट

फ्री मूवमेंट रिजीम का मतलब क्या होता है लेट मी टेल यू यहां पे देखो लिखा हुआ है ये देखो अंडर द फ्री मूवमेंट रिजीम एनी मेंबर ऑफ अ हिल ट्राइब कोई भी मेंबर अगर हिल ट्राइब का है हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑफ म्यांमार चाहे वो इंडिया का सिटीज़न हो या म्यांमार का सिटीज़न हो एंड हु रिसाइड्स विद इन सिक्सटीन किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर ऑन आइदर साइड और वो दोनों साइड बॉर्डर के दोनों साइड के सोलह किलोमीटर के अंदर रह रहा हो देन ही और शी कैन क्रॉस द प्रोडक्शन क्रॉस द बॉर्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ बॉर्डर पास एक सिंपल सा बॉर्डर पास लगता है उस बॉर्डर पास की मदद से वो बॉर्डर मतलब पास किया जा सकता है और वहाँ पर वो जो पास होता है बॉर्डर पास वो एक साल तक के लिए वैलिड

नहीं बॉर्डर पास का है ना कोई एक एक, एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी नहीं है और हालांकि वहां पे अगर आप देखें इंडियन म्यांमार के बॉर्डर पे आ, जो फोर्स लगी हुई असम राइफल्स है ना यू नो दैट असम राइफल जो कि ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की वो लगी हुई है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में लेकिन जो पास इशू होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स करते हैं नॉट फ्रॉम द असम राइफल्स इसीलिए वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है दूसरा इशू ये है कि मान लो एक विजिट के लिए दो हफ्ते का टाइम पीरियड है मतलब एक विजिट में आप दो हफ्ते ही रुक सकते हो ना लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं जो इसको चेक करता हो कि हाँ दो हफ्ते हो गए तो आप वापस जाओ या दो हफ्ते तक ही आपको रुकना है तो ऑल दीज आर द इशूज विच आर देयर है ना इसी कारण से इसको हटाने की बात की जा रही है एंड स्पेशली मणिपुर जो स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है अभी है वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी अभी उनके जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि हाँ ये अच्छी अच्छा अच्छी चीज़ है आपसे मैंने एक सवाल पूछा था आप लोग सवाल के जवाब पता नहीं क्यों नहीं देते हैं वाई डू यू थिंक दैट की जवाब देने से आप लोगों को पता नहीं क्या घट जाएगा मैंने आपसे कहा था कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख देना वो भी आप, आपने नहीं लिखा है ना वीडियो लाइक तो करते ही नहीं है लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछता हूँ वो भी आंसर नहीं करते हैं। तो ये दो तीन चीजें आप कर सकते हैं आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो यू कैन मूव अहेड विद मी पे आपको दिख रहा होगा ग्रेसफुल मूव्स ये है लोसार फेस्ट फेस्टिवल की तैयारी लोसार फेस्टिवल क्या है तो लोसार फेस्टिवल है तिब्बतन न्यू ईयर याद रखेगा द तिब्बतन न्यू ईयर इज नोन एज द लोसार फेस्टिवल और इसमें 10 से 15 दिन तक सेलिब्रेशन चलता है पूरा एंड ये एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क है जो कि डांस कर रहे हैं ट्रेडिशनल चाम डांस में याद रखिए इट्स आल्सो तिब्बतन डांस फॉर्म इसका नाम है चाम सी एच ए एम याद रखिएगा चाम डांस डांस है होता है होता इसमें मास्क लगा करके डांस करते हैं तो ये बेसिकली ये भी तिब्बत में ही होता है एंड दैट इज ऑन द ओकेजन ऑफ लोसार फेस्टिवल तो आप यहाँ पे ये चीजें भी याद रख सकते हो तो दिस इज दिस इज अगेन थर्ड न्यूज आइटम जो कि आपको बताना था आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं इंडियाज कलादान प्रोजेक्ट इन म्यांमार इन लिम्बो एज रेबल्स कंट्रोल द की टाउन हालांकि मैंने ये न्यूज आइटम हमको परसों बताया था याद है आपको बताया था मैंने पलेटवा के बारे में म्यांमार में पलेटवा जो जगह है वहां पे अराकन या आर्मी जो है ए ए उसने कंट्रोल कर लिया है अराकन आर्मी जो पहले रखाइन स्टेट था उसका नाम था अराकन अराकन रीजन था पहले तो वहां पे अराकन आर्मी है जिसने की कंट्रोल की है अराकन आर्मी इज एक्चुअली एंटी टू द म्यांमार की जो प्रेजेंट जो वो है वहां पे आर्मी है उसके अगेंस्ट है ये ठीक है ना तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जो इंडिया का प्रोजेक्ट है वो तो थोड़ा खतरे में है क्योंकि पलेटवा इज अ प्लेस जहां से फिर वो कलादान मल्टी मॉडल जो हमारा रूट है वो जाएगा जो वहां का रोड रूट है 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 ना रोड एंड रेल रूट है. तो दैट इज इज अ थिंग इंपॉर्टेंट मल्टी मॉडल से म्यांमार के बीच में आ, बेसिकली जो रूट जो सी रूट, जो लैंड रूट दोनों का यूज करते हुए हम एक मल्टी मॉडल रूट बना रहे हैं एंड दैट इज द कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वो खतरे में है लिंबो में है लिंबो मतलब खतरे में है या कहना चाहिए शून्य में है, uh, because of all these issues की जो पलेटवा टाउन है ये सब जो है अराकान आर्मी यहाँ पे तो लिखा है अराकान आर्मी पलेटवा टाउनशिप नियर मिजोरम बॉर्डर तो ये मिजोरम बॉर्डर पर है तो ये भी आप याद रखेगा एंड दैट इज अ थिंग इंपॉर्टेंट आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है तो कांग्रेस ने ब्लैक पेपर रिलीज कर दिया है जैसे इन्होंने व्हाइट पेपर रिलीज किया ना देर इज ब्लैक पेपर अगेन द ब्लैक पेपर इज बिकॉज ऑफ द कलर एंड इसमें क्रिटिसिज्म और फेलियर्स होते, है। होते हैं जैसे उसमें पॉलिसीज और कंक्लूजन और सक्सेसेस होते हैं व्हाइट पेपर में यहाँ पे द फेलियर्स एंड क्रिटिक्स आर इन दिस ब्लैक पेपर आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कंसेप्ट एज वेल अगला देखो न्यूज है यहाँ पे यूनाइटेड यूनियन कैबिनेट प्रूफ न्यू फिशरीज स्कीम एक नई फिशरीज स्कीम है जो कि अनाउंस की गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा एंड इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना याद रखेगा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना और ये एक सब स्कीम के रूप में रहेगा अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना याद रखिएगा ओवरऑल जो सेंटर की स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना और उसके अंतर्गत अब एक सब स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना बना दिया गया है ठीक है ना एंड Uh, इसमें छह हजार करोड़ रुपए बेसिकली इसमें एक्सपेक्टेड है कि इन्वेस्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट के तरफ छह हजार करोड़ रुपए अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये छह हजार करोड़ रुपए आएंगे कहां से तो ये लिख लेना छह हजार करोड़ में से पहले जो तीन हजार करोड़ हैं वो आएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा आएंगे तीन हजार करोड़ रुपए दूसरे जो तीन हजार करोड़ हैं वो आएंगे एंटिसिपेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो जो बेनिफिशरीज हैं या प्राइवेट सेक्टर का जो है वहां से इन्वेस्टमेंट आएगा तो दैट इज आई थिंक फिफ्टी परसेंट जो है वर्ल्ड

क्या होगा uh, आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स यहाँ यहां है माइनर वाटर पोल्यूशन ऑफेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं लोकसभा ने पास किया है वाटर अमेंडमेंट पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन बिल 2024 वाटर अमेंडमेंट पल्यूशन एंड प्रिवेंशन बिल 2024 अब ये जो अमेंडमेंट बिल है ये किस चीज़ को अमेंड कर रहा है तो ये अमेंड करेगा वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974 जो सबसे पहला एक्ट आया था ना वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट जो था उसको अमेंड करेगा अब इसमें क्या किया गया है इसमें किया यह गया है कि डी किया गया है कुछ वायोलेशंस को ये ये बोलते हुए कि ये माइनर वायलेशन है, है ना देखो होता क्या था मैं आपको सिंपल बता देता हूँ पहले जो था वो तीन महीने तक की जेल टर्म भी इंक्लूडेड थी मतलब अगर आप वाटर रिलेटेड कोई पोल्यूशन या ये सब करते हो तो तीन महीने की जेल टर्म थी तो वो जो जेल टर्म है यानी कि जो जेल वाली पनिशमेंट है वो रिमूव कर दी गई है फाइन बढ़ा दिया गया है पहले फाइन दस तक का था तो उसको दस से पंद्रह लाख कर दिया गया है है ना एंड आपका पनिशमेंट uh, वाला पोर्शन हटा दिया गया है इसके बाद एक और चीज़ याद जो अमेंडेड वर्जन है ये हिमाचल प्रदेश राजस्थान और सारी यूटीज में लागू होगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर आपको ये जो वाटर अमेंडमेंट पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन बिल दो सॉरी वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974 जो था वो भारत के बारह ही राज्यों में लागू था यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ है ना दिस इज वॉट मैं हिंदू की ही नोट से मैंने बनाया था उसमें आज मैंने पढ़ा जैसे कि ये देखो तो लिखा है द अमेंडेड वर्जन ऑफ दिस एक्ट Would currently apply to Himachal Pradesh, Rajasthan, and UTs. The original act passed in 1974 is applicable in ट्वेल्व स्टेट्स बारह स्टेट्स में ही अप्लीकेबल है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखिएगा इसके अलावा सेंटर को ये पावर भी दी गई है कि वो रूल्स फ्रेम की कर सकते हैं फॉर द सेलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं उनके चेयरपर्सन को सेलेक्ट करने के लिए भी सेंटर चाहे तो रूल्स फ्रेम कर सकती है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट और कोई स्टेट फिल्म मना नहीं कर पाएंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे थी आगे मूव करते हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है तो यहाँ पे वैसे मैंने आपको बता चुका हूँ क्रिस्पार कैस नाइन की टेक्नोलॉजीज के बारे में आ, एक बार फिर से बता दूँ देखो क्रिस्पार कैस नाइन आपको पता है जीन एडिटिंग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ठीक है ना और क्रिस्पार की जो कुछ नए मेथडोलॉजीज डिवाइस की हुई थी यानी बनाई गई हैं उनमें से एक है कैश जे है ना याद है यूएसए मैंने आपको अच्छा रिविजन सीरीज में बताया था लेट मी लेट मी टेल यू अगेन दैट ये है यहाँ पे देखो कैश कैश जे वी जी ई वी वाई है ना कैश जेबी ये क्या है ये एक जीन एडिटिंग मतलब मेथोडोलॉजी है जो क्रिस्पायर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसके अंतर्गत और जीन एडिटिंग की जाती है ठीक है ना तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैश जेवी क्या है ये देखो थेरेपीज है ये ये लिखा है कैश जेबी एंड लिफजीनिया दे आर द टू सेल बेस्ड जीन थेरेपीज अप्रूव्ड बाय एफडीए टू ट्रीट द सिकल सेल एनीमिया ठीक है ना एंड थेलेमिया ये देख लीजिए याद रखिएगा कैश जेवी एंड लिफजेनिया जो है ये दो सेल बेस्ड जीन थेरेपीज हैं इनका अप्रूवल दिया गया है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फॉर सिकल सेल अनिमिया ट्रीटमेंट एंड बीटा थे ठीक है ना याद रखिएगा क्रिस्पार कैश नाइन जो है जीनो जीनोमेडिटिन टेक्नोलॉजी है आपको पता ही है क्रिस्पार का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पेलिंड्रोमिक रिपीट ठीक है ना याद रखेगा आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल कैश जे वी लिफजेनिया भी याद रखिएगा अच्छा इस न्यूज आर्टिकल में इशू ये चल रहा है कि इनका ये कहना है कि पहले तो जो टेक्नोलॉजी ये जो जीन एडिटिंग थेरेपीज बनाई जा रही हैं ये बहुत महंगी थेरेपीज होने वाली हैं अब दिक्कत क्या है कि अब आप, आप सोचो कि सिकल सलनीमे की एक डिसीज की एक दवाई आती है हाइड्रोक्या बोलते हैं उसको हाइड्रोक्सी यूरिया बोलते हैं इट्स अ मेडिसिन यूज एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी है ना अब

पर्पज के लिए नहीं उनका कैरियर बनाने के लिए भी कर सकते हैं भाई उनको अगर लग रहा है कि कोई चीज के कारण ऐसी दिक्कत आ रही है तो जीन एडिटिंग विल स्टार्ट प्लेइंग गॉड एक तरीके से तो दैट इज अगेन कंसर्न विच इज रिलेटेड टू दिस टेक्नोलॉजी आई होप यू विल रिमेंबर दैट इसके अलावा अगली अगला टॉपिक है फॉरेस्ट डिसीज के बारे में तो क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज क्या है uh, इट्स अ वायरल इन्फेक्शन वायरस के कारण है क्यासनूर फॉरेस्ट जो है कर्नाटका में लोकेटेड है पहली बार ये 1956 फिफ्टी सिक्स में आ, मिले थे शिवमोगा नाम की जगह है जो कर्नाटका में वहां पे ये मिला था तो याद रखेगा क्यासानूर फॉरेस्ट एरिया जो है वो सोराब तालुक में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है 1956 फिफ्टी सिक्स में वहाँ पर सबसे पहला केस मिला था एंड इसके अलावा इसको मंकी फीवर भी कहा जाता है बिकॉज मंकीज़ ऑल्सो गेट इफेक्टेड फ्रॉम दिस एंड के आउटब्रेक में डेथ ऑफ मंकीज सबसे पहला जो सिंबल था वो यही था इसके अलावा एक और आप आपको बता दूं कि ये डिसीज़ जो है वो टिक्स के द्वारा यानी टिक्स यानी जो छोटे छोटे ऐसे नहीं जानवरों में जुए टाइप के हो जाते हैं वो टिक वो होते हैं ना तो दे आर द टिक्स दैट स्प्रेड दिस डिसीज़ एंड प्राइमेट्स जो कि कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं ऐसे टिक्स से इन्फेक्टिव टिक्स से उनको ये हो जाता है फिर ह्यूमन बींग्स अगर उस फॉरेस्ट एरिया में जाएं तो ऑब्वियस सी बात है उनको भी ये डिसीज हो सकती है एंड नव दिसंबर से मार्च में ये डिसीज़ पीक करती है एंड एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट किया जाता है टू आइडेंटिफाई द कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज़ सिम सिम्टम्स जो हैं वो तीन से आठ दिनों में आते हैं टिक की बाइट के बाद जैसे कि फीवर है रेडनेस ऑफ आइज़ है सीवियर हेडेक है बॉडी पेन है कॉमन है और थ्री फोर डेज आफ्टर दी ऑनसेट ऑफ इन, मतलब इनिशियल सिम्टम्स के तीन चार दिन बाद फिर गैस्ट्रो इंडेस्टनल सिम्बल्स आने लगते हैं सिम्टम्स आते हैं ब्लीडिंग नोज से शुरू हो जाती है ऐसे सीवियर केसेज में होते हैं लेकिन यह है ना तो याद रखिएगा आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल और इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है तो ये भी आप याद रखेगा स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है अगला देखो टॉपिक है शुड कोचिंग भी रेस्ट्रिक्टेड टू अबव दोज अबव सिक्सटीन ईयर्स आपको पता होगा गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली कहा है कि uh, कोटा राजस्थान में जो सुसाइड्स और उनको देखते हो कहा कि भैया सोलह साल से नीचे आप कोचिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते हो देखो लिखा है स्टेट कोचिंग सेंटर्स कैन नॉट इनरोल स्टूडेंट्स बिलो सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एज एंड दे कैन नॉट मेक मिसलीडिंग प्रोमिसज दे कैन नॉट गारंटी रैंक और गुड मार्क्स ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि

दूसरी चीज जो ऑथर ने बोली है वो बोली है पेरेंट्स के रिगार्डिंग कि भाई पेरेंट्स सबसे अधिक प्रेशराइज तो वही पेरेंट्स करते हैं ना तो, तो दैट इज़ सबसे बड़ा मेजर इशू कि पेरेंट्स सबसे अधिक प्रेशराइज़ करते हैं गुड रैंक्स के लिए 90 परसेंट आए तो भी डांट रहे हैं 95 फाइव आए तो भी डांट रहे हैं 98 क्यों नहीं आए नाइन्टी क्यों नहीं आए देट इज़ दैट इज दैट मस्ट बी इम्प्रूव्ड पेरेंटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए बच्चे से बात करते रहें बच्चों को प्रॉपर टाइम दें है ना तीसरी चीज़ जो ऑथर ने उठाई है वो ये उठा वही उठाई कि भाई स्कूल लेवल अपना एजुकेशन सुधारे प्लस एजुकेशन लेवल तो सुधारे एग्जामिनेशन का पैटर्न सही करेगी इंडिया में जो स्कूल एजुकेशन है वो रोट लर्निंग मतलब मेमोराइजेशन और याद करने पर ज़्यादा बेस्ड है है ना जैसा स्कूल का करिकुलम बनाया जाता है वो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि जो पूछेंगे वही पढ़ाते रहते हैं है ना तो बच्चों का जो एनालिटिकल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता तो ऑथर ने ये तीन तरीके से इसको डिफाइन uh, किया और कहा है कि हाँ ओवरऑल अगर होना चाहिए तो उसमें बात फिर आपको स्कूल एजुकेशन भी इतना तो इंप्रूव करना चाहिए अदरवाइज जो कोचिंग्स है ना वहां पर टर्म यूज हुआ है मैं आपको बता दूं कोचिंग से टर्म यूज हुआ शेडो एजुकेशन शेडो स्कूलिंग शेडो स्कूलिंग का काम कर रहे हैं इस समय कोच कोचिंग सेंटर्स कि कई बच्चे ऐसे हैं कि भाई पेरेंट्स भी नहीं सेटिस्फाइड ना, तभी तो भेज रहे हैं कोचिंग में तो स्कूल एजुकेशन का ही सबसे बड़ा रोल रहेगा यहाँ पे अगर वो इम्प्रूव हो जाता है तो दैट ये फिर डिसीजन सही रहेगा पेटीएम पेमेंट बैंक्स का तो आपको पता ही ये इशू यहाँ पे ज्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे अगला है रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू राइस प्राइजेज अब वो क्या रहा है था कि पिछले एक साल में राइस के जो प्राइजेज हैं चौदह परसेंट से ऊपर बढ़ चुके हैं ठीक है ना तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं जैसे कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है किसी भी ट्रेडर होलसेलर रिटेलर या मिलर के लिए कि भैया अपने स्टॉक्स को रिस्पेक्टिव स्टॉक्स को आप डिक्लेयर करें क्यों डिक्लेयर करें ऑब्वियसली बात है क्योंकि कई क्यों क्यों लोग होल्डिंग कर लेते हैं प्राइस बढ़ाने के लिए होल्डिंग कर लेते हैं अपने पास छुपा के रख लेते हैं तो आप अपने स्टॉक्स पहले बता

जो कि किए गए प्राइस का रीजन क्या है है, है कि जो जो प्रोडक्शन का mismatch. सबसे बड़ा जो होता एक्सपोर्ट है, है, ज्यादा हो जाएगा, अगर होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगी या फिर प्रोडक्शन कम होगा तो इन सारे कारणों से क्या होगा कि डिमांड हो और सप्लाई में मिसमैच होगा तो प्राइस राइज तो होगा ही प्राइस तो बढ़ेगा ही तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट वेल Uh, ये सारे न्यूज आइटम्स हो गए हैं आगे देख लेते हैं यहाँ पे है विद सेनेगल इन पॉलिटिकल टर्मोइल प्रेशर ऑन फ्रैक्चर्ड वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक अब यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक क्या है ये है इकोवास क्या बोलते हैं इसको इकोवास बोलते हैं वेस्ट अफ्रीका अफ्रीकन नेशनल रीजनल ग्रुप है ये नाइनटीन में बना था इकोवास और कौन सी ट्रीटी से बना था तो लैगोस ट्रीटी से बना था ये भी आपको बता दूं और इसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं बेनिन बुरकीना फासो के केवर्डी कोट डी आई गैम्बिया घाना गिनी गिनी बिस्ू लाइबेरिया माली नाइजर नाइजीरिया सियरा लियॉन सेनेगालंटोगो इसमें से दो कंट्री माली और नाइजर इनके ऊपर ऑलरेडी सेंशक्शंस लगाया है इकोवास ने क्यों क्योंकि यहाँ पे रिजीम चेंज हुई थी यहाँ पे कू हुआ था और इसलिए गवर्नमेंट जो इकोवास है वो यहाँ पे सही खुश नहीं है एंड कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी रिस्टोर करो बट दैट इज़ नॉट द केस इन माली एंड नाइजर अब सेनेगल में भी वैसा ही हो रहा है सेनेगल में इलेक्शन जो है उनको डिफर कर दिया गया है तो सेनेगल वैसे मोस्ट स्टेबल कंट्री थी इकोवास की लेकिन अब वहाँ पर भी ये कहा कि इलेक्शन हो नहीं रहे इलेक्शन डिले किया गया तो अब फिर से हो सकता है कि इस सेनेगल के ऊपर भी सैक्शंस लगाए इकोवास ईकोवास दैट इज द थिंग विच इज़ गोइंग ऑन आगे देख लेते हैं Uh, एक स्पोर्ट सेक्शन की एक न्यूज है लेट्स सी दैट एज वेल स्पोर्ट सेक्शन में थी फर्स्ट एवर इंटरनेशनल आइकॉन ऑनर गोस टू स्पिन विजर्ड मुरलीधरन मुथैया मुरलीधरन को पहला इंटरनेशनल आइकॉन ऑनर दिया गया है और ये स्पोर्ट स्टार ने एसेज अवार्ड बनाए हैं उसके अंतर्गत ये अवार्ड दिया है अब एक दो न्यूज आइटम जो हिंदू में नहीं थे वो मुझे आपको बताने दो एक बस एक न्यूज है यहाँ पे वॉलकैनो जो है आइसलैंड में एक वॉलकैनो है कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है और अभी दिसंबर से तीन बार इरप्ट हो चुका है याद रखिएगा वहां पे एक लोकेशन है आइसलैंड की ब्लू लगून स्पा याद रखियेगा ब्लू लगून स्पा आईलैंड का सबसे ज्यादा बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है आइसलैंड का और इसको अभी खाली कराया जा रहा है ये जो वोल्केनो की साइट है वो ग्रिंडा विक के पास है ग्रिंडा विक एक कोस्टल टाउन है देखो आप मैप में दिख रहा होगा आपको ये ग्रिंडा विक दिख रहा है और यहीं पर आपको ब्लू लगून भी दिख रहा होगा ब्लू लगून स्पा भी दिख रहा होगा तो ब्लू लगून है ग्रिंडा विक है और ये एक आपको ये दिख रहा है आइजा फजाल फजाल जो कुल ग्लेशियर दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पे 2010 में एक बहुत बड़ा वॉल्कैनिक इरप्शन हुआ था तो ये देखो तो इसका नाम भी यही लिखा है मैंने है ना तो ये वॉल्कैनिक इरप्शन का नाम भी याद रखना अगर आपसे पूछे तो आइसलैंड का है एंड आइसलैंड याद रखेगा एक वॉलकैनिक हॉटस्पॉट के ऊपर है नदन North, अटलांटिक North, में ये एक वॉलैनिक आइसलैंड हॉटस्पॉट के ऊपर ही है तो एक आपको ज़रूर याद रखना है ये दोनों वॉलकैनिकपशंस के नाम कोचिंग uh, मैंने आपको बता दिया है बाकी आप सब यहाँ पे क्या करिएगा पढ़ लीजिएगा लोसार चाम सब मैंने किया है यहाँ पे सारी नोट्स जो है अवेलेबल हो जाएगी सो दैट इज़ इट फॉर द डे आई होप यू लाइक आर वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए थैंक यू डेवेनाइंस डे